वेदर ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। भयंकर कैसा लगा हमने कैंप? मजा है में बारिश। वी आर मिसिंग शारम सो मच। फिलहाल जब भी मैं पहाड़ों में जाता हूँ तो बस मेरा यही गुनगुनाने का दिल करता है। चल चले पहाड़ों में, दूर उन पहाड़ों में कहीं ये लम्हे बोलिए राहे। हम नारकुंडा एंटर होने वाले हैं। 1.1 किलोमीटर रह गए यहाँ से, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वेदर ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, और हो गया है। शिमला में जब हम थे तब धूप थी पूरी, और यहाँ पर पूरे काले बादल लग चुके हैं। और कैसा वेदर हो रहा है मैं आपको नारकंडा की मार्केट में दिखाता हूँ। नारकंडा की मार्केट हम एंटर कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि काले बादल लग चुके हैं और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, और तेज़ बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। मैंने आपको बोला था ना कि पूरा यहाँ पर पूरा वेदर चेंज होने वाला है, तो बारिश हो रही है। और मैंने अभी ललिता को रेनकोट दे दिया मेरा, अब वो दिखाता हूँ। और पूरा वेदर देखो, काले हो रहे बादल। वहाँ चलते हैं हिमालयन कैफे, वहाँ पर मेन्यू देख लेते हैं इनका जरा। ये कुछ ऐसी वाइब है रेस्टोरेंट का, आप वो देख पा रहे हैं यहाँ पर। अभी जस्ट ललिता ने नोटिस करा कि ये पूरा आसमान क्लियर है, और ये सेंटर में एक लाइन बन रही है, वहां पर एक्चुअली बारिश हो रही है पूरी पूरे उस सिर्फ उसी जोन में। तो गाइस अभी आए हैं ग्रोसरी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए। अभी वेजिटेबल्स वगैरह खरीदनी है, और अभी हम जा रहे हैं चिकन लेने। आज रात को चिकन करी बनाएंगे, भयंकर वाली चिकन करी, भयंकर। सारी चीज़ें ले ली अभी हमने, चिकन ले लिया और सारा सामान ग्रोसरी का, सब्जी वब्जी सब ले लिए। अब ऊपर चल रहे हैं कैंपिंग लोकेशन देखने के लिए, फिर कैंप लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा लगाया हमने कैंप। कैंपिंग स्पॉट ढूंढ लिया था, बारिश होगी बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे कि आपने अभी टाइम लैप्स पे देखा होगा। टेंट लगाया, थोड़ा सा दूर है, चल के जाना पड़ रहा है, तो कैंपिंग स्पॉट में हम सामान लेके जा रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो। अभी टेंट लग गया, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये चल रहा है हमारा चेयर पर कैंपिंग का सेटअप, और ये हमारा 4% टेंट है, 4+1 बाहर पे। इसका एक डाइनिंग कम किचन हॉल है। ऊपर भाई लोग अपने कैंप लगा रहे हैं। अच्छी लोकेशन है काफ़ी, पूरा यहाँ से हिमालयन रेंजेस का व्यू है, नीचे मेडोज है काफ़ी डेंस। तो भाई कैसा रहा है भाई बारिश वाला सेटअप, कैसा रहा ये रिव्यू तो दो। ये तो हमारे ऑडियंस को रिव्यू देना बनता है कि नए चावल बताओ भाई। ये नए चावल बोल रहे थे कि मत करो, लेकिन हम पुराने चावल फिर करके रखते हैं, वेट कर लेते हैं क्योंकि बादल चले जाएंगे। देखो धूप निकल रही है, हाँ, बट देन शायद से तुम लोगों को लगा कि नहीं रुकेगी बारिश। मुझे लगता है बारिश हो रही थी ना, हाँ, तो और ज्यादा फन आया क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है तभी तो मजा आता है यार। मतलब और यही चाहिए, मजा आया कैंपिंग में बारिश, तेरे को मजा आया कैंपिंग में बारिश चाहिए थी ना। तो हमने अपना सेटअप सारा लगा लिया है, अभी हम शारम से बात कर रहे हैं। वी आर मिसिंग शारम सो मच, और अभी जल्दी ठीक हो गए, फिर जल्दी करेंगे फिर भी। और ललिता अभी झाड़ू अभियान पे लगी हुई है, सफाई अभियान
अभियान पे। एक गुहा हटवा रहे हैं। हो गया भाई टेंट सेटअप आपका। एक बार दोबारा नहीं अभी बांधिए, पहले बांधिए एक थोड़ा सा रख के दूसरी, हाँ ऐसे वाली, ताकि अब जब एक बार में खोल सको उसको। और सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे उसका किया है ना। तो भाई लोग भी कैंप लगा रहे हैं, अपने आप टेंट लगाने का अलग मजा होता है। ये वाला इजी है, इजी एज इन मतलब लाइक हां कन्वीनिएंट है। इसको ऐसा नहीं करना भैया, इसको ऐसे नहीं करना, इसको इस पर डायरेक्ट नॉट बंधी हुई है ना, इस पर डायरेक्ट लगाना है। और ये हमारे दो मैट्रेसेस फुल चुके हैं, एक और फुल आ रहा है, फिर उसके बाद हम टार्प लगाएंगे। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कैंपिंग, हां सो आई एम रियली एक्साइटेड। सो फार सो गुड, मस्त लोकेशन है और बहुत ही सुंदर है ये जगह। वो देखो सामने हिमालयन, हिमालयन रेंजेस दिख रही हैं। मजा आ गया, हालत टाइट हो गई भाई। ये फुलाने में बहुत मेहनत लगती है इसको फुलाने में। पानी का हमारा मयूर जग वहाँ पड़ा हुआ है और काफी सही लोकेशन है। तो ये मैरिनेशन हमारे रेडी हो चुके हैं। ललिता वहाँ पे प्याज काट रही है, एकदम ठंड लग रही है, एकदम वो हुडी पहन के अंदर वो घुस गई है। जब मैं उसके लिए हुडी रख रहा था बोल रही थी बहुत गर्मी लगेगी, रहने दो। इस तरीके का सेटअप है और जो भी गंद वंद हम करेंगे वो गार्बेज बैग में डाल देंगे सारा, और कोई भी चीज़ें छोड़ के नहीं जाएंगे। अभी लाइट्स लगाते हैं सारे, लाइट्स टांग लो। ये प्याज कट रहा है हमारा, और बेडिंग दिखा देता हूँ मैं एक आपको एक बार। ये हमारी अंदर का भी कुछ सेटअप है, थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बाकी का जो कुकिंग का प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। तो कैंपिंग में सबसे फ़न होता है खुद खाना बनाना, हमें कोई ढाबे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, रेस्टोरेंट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं टार्प के अंदर मूव होऊंगा ताकि अच्छे से कुकिंग हो सके, और हवा जो चल रही है हवा की वजह से कुकिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ये हम अपने अपने बर्नर को इससे कवर करेंगे, अभी रोहन आपको दिखाएगा इसको कैसे कवर करेंगे, तो हवा नहीं लगेगी इसमें, हमारे खाना अच्छे से बन पाएगा। थैंक यू भाई। प्याज रेडी है हमारे, काटे हैं ललिता ने, टमाटर वो काट रही है, और इसको हमने कवर कर लिया बर्नर को, ये बर्नर यूज़ कर रहे हैं हम। फटाफट आ जाओ, ये देखो गर्मा गर्म एकदम प्याज फ्राई हो रहे हैं, और इसको एकदम ब्राउन करने के बाद इसमें अभी डाले जाएंगे टमाटर। मैंने व्लॉग चैनल के साथ साथ कुकिंग चैनल भी शुरू कर लिया है, मेरे को लग रहा है। आज हम बना रहे हैं चिकन करी। कैंपिंग में क्या क्या चीज़ें फ़न है और उसके पीछे स्ट्रगल भी है, ये सारी स्ट्रगल है, बट फन के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिना स्ट्रगल के आपको फ़न नहीं मिलेगा। लाइटिंग का सारा इंतज़ाम रोहन ने कराया है, और बिजली का जिम्मा ले लिया है, और शुभम पानी और ये सारी चीज़ें संभाल रहा है, और मैं खाना संभाल रहा हूँ, और ललिता मेरे साथ में असिस्टेंट की तरह मेरे लिए प्याज काट रही है और टमाटर काट रही है, ये सब कर रही है। मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तभी एक कैंपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर बनता है। ये हमारा कैंप है, और लाइट्स लगा दी हैं इसमें थोड़ी, क्योंकि अंधेरा होने लग रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम है कैंपिंग। एक प्रॉब्लम हो सकती है, ये यहाँ से ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, ये इस साइड का व्यू है, और हम लोगों ने यहाँ अपना कैंप लगाया है। एंड ये बादल गरजते हुए और कड़कते हुए हमारी साइड आ रहे हैं। हाँ आओ, आओ। आ रहे हैं, और वो नीचे वाली आओ। आओ। आई एम होपिंग ऐसे लगते हुए। वाह वाह वाह, मास्टर शेफ नीरज द्वारा बनाया गया गर्मा गर्म चिकन करी। आई होप कि बारिश होने से पहले हम सब बड़ा खाना बन जाए और हम खा लें, उसके बाद में चाहे जितनी भी बारिश हो जाए। एंड ये आ रहे हैं बादल बहुत ही स्पीड से हमारी साइड। अब हमने खाना बना लिया है, चिकन रेडी है। चिकन अभी अभी जस्ट मैंने गैस से उतारा है, और हमारे चावल बन रहे, थोड़ा लाइक 10 मिनट और लगेगा चावल को बनने में।
वेरी बिग कैंप। तीन लोग यहाँ सोएंगे तो एक जना यहाँ सोएगा। तो गाइस हमने खाना पीना हमारा हो गया था, अब हम अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ बाहर ठंड हो चुकी है बहुत ज्यादा, 9 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। बहुत मजा किया हमने आज, कैंपिंग करी, कैंप सेटअप किया, खाना बनाया, खाना खाया, अब सोने जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल सुबह।